अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अमरुन अंसारी। और आज के इस चैप्टर में, जो कि है चैप्टर नंबर 6, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे जो कि मैंने चैप्टर नंबर 5 में नहीं बताया था। मैंने कहा था मैं चैप्टर नंबर 6 में बताऊंगी, वो था हमारा हाईलाइट सेल्स का टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, ये तो इसका क्या यूज है, तो वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, अब हमने हमारे मार्क्स ऐड कर लिए हैं, परसेंटेज निकाल लिए हैं, अब हमें पास और फेल का पता लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा रिजल्ट, अब कुछ बच्चे पास हैं और कुछ बच्चे फेल हैं। तो आप देख सकते हैं जो रेड लाइन, जहाँ पे रेड नंबर से शो हो रहा है, वो बच्चे फेल हैं और बाकी पास है। तो इसका भी एक फॉर्मूला रहता है जिसके थ्रू जो लगाकर आप इजीली यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये बच्चा पास है और ये बच्चा फेल है। वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बने रहिएगा मेरे चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो बट अभी मैं जस्ट ये देख देख कर ही लिखती जा रही हूँ कि कौन पास है और कौन फेल, मार्क्स देख कर। फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताऊंगी। तो ये हमने लिख लिया है, अब उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे गए। अब हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आया है पास, तो हमें जो पास हैं उनको किस कलर से शो करना है, ग्रीन। ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। अब जहां जहां पास है वहां पे ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर से ही शो होगा, और जहां फेल है वो भी ब्लैक से, तो हम उसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में पास की जगह लिख देंगे फेल। और फेल को हम किस कलर से शो करेंगे, रेड, लाइट रेड विथ फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके करा, तो जहां जहां पास होगा वो ग्रीन और जहां फेल होगा वो रेड कलर से ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमारा भी हाईलाइट का तरीका है। और अगर हमें ये पता लगाना है कि कौन सा बच्चा, क्योंकि 33 से अगर किसी के कम मार्क्स है तो ऑब्वियसली वो फेल में है, तो अगर वो फेल में है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसके थ्रू हमारे पास और फेल भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डेट ऑक्यूरेंसी, ये इतना यूज में नहीं आता है। फिर है डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इसको हम देख लेते हैं। अब डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या है, जैसे कि कई बार नाम रिपीट हो जाते हैं ना, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सिलेक्ट किया ये और हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज, लाइट डुप्लीकेट और लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके करा, अब तो इसके अंदर अगर हमसे दोबारा कोई नाम एंटर हो जाएगा तो वो हमें रेड में दिखाएगा, जैसे कि ये ए, तो आप देख सकते हैं ये ए जो स्टूडेंट है ये दो बार इसकी एंट्रीज हो गई है। इसका मतलब ये, अगर मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है तो आप देखिए सी, ये नाम एक बार एंटर हो चुका है। अगर यहाँ पे सी की जगह किसी का नाम भी है, ए बी सी डी ई, ये नाम है, ये हड़िया कलर, अब देखिए ए बी सी डी ई एंटर, तो वो शो करता है। तो जब भी डुप्लीकेट, मतलब जब भी किसी का नाम डुप्लीकेट लिखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर से शो हो जाएगा। ये था टेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर इसके बाद है टॉप बॉटम रूल्स। अगर आपको इसमें टॉप, तो टॉप बॉटम रूल्स के लिए हम पहले जो हमने रूल्स लगाए हैं इनको सिलेक्ट करके हम पहले क्लियर रूल्स कर लेते हैं। तो जो क्लियर रूल्स हैं वो भी हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आप देख सकते हो, नीचे ही लिखा है क्लियर रूल्स, इस पर क्लिक करोगे तो क्लियर रूल्स फ्रॉम
सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। तो हम इंटायर शीट ना करते हुए हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करेंगे, जिससे कि जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये पूरा, इस पर से हमारा जो भी रूल्स हैं वो हट जाएंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल्स में जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स से हम इसको क्लियर कर देंगे। तो पूरे रूल्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर अब हम हमारे टॉप 10 पता लगाएंगे। यहाँ पे टॉप 10 दिए, आप चाहो तो टॉप 5 भी पता लगा सकते हो, टॉप 4 भी पता लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे हमने टॉप 10 था, हमने टॉप 5 जैसे ही करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप 5 स्टूडेंट्स आ गए। 6 नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं जिनमें से 90 दो बार हैं, तो इसलिए वो दोनों भी हाईलाइट हो गए। तो इस तरह से हम टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 भी पता लगा सकते हैं। अब हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर अब हम टॉप 10 आपको जो भी नंबर्स चाहिए, अबव एवरेज चाहिए, ये सारे आप एक एक बार सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा डाटा बार, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में। आप पहले से पहले हम हमारे क्लियर रूल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं। तो हम फिर से जाएंगे हमारे डाटा बार में सिलेक्ट करके, और ये कलर्स होंगे, आप कलर्स चूज़ कर सकते हो कि आपको किस कलर में देखना है। तो इसके अंदर जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू हाईलाइट हो रही है उन हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 20 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 20 की वैल्यू शो हो रही है ब्लू कलर से, कितनी कम है, जहाँ 56 है वहाँ ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा डाटा बार शो होगा।